तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट गाइड के बारे में जो है डीनिम जैकेट्स फॉर मेन। गाइस ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मुझे डीनिम जैकेट्स काफ़ी पसंद है और मेरे इनिशियल जो वीडियोस में बूस्ट आए थे और थोड़े आप लोग जाने थे वो डीनिम जैकेट के कारण ही जाने थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है डीनिम जैकेट के बारे में बात करना। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे डीनिम जैकेट होते क्या है, मटेरियल कौन सा प्रीफर करना चाहिए, फिटिंग्स कैसी होनी चाहिए, बाइंग गाइड देखेंगे, बेस्ट बजट ब्रांड्स ऑनलाइन कौन कौन अवेलेबल है आप जिनको चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद स्टाइलिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके बोनस पॉइंट देखेंगे और कंक्लूजन तक जाएंगे कि आपको डीनिम जैकेट कैसा लेना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस रिसेंट में अभी मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे डेनिम जैकेट के साइज को लेके, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो गाइस चलिए सबसे पहले आते अपने पहले टॉपिक पे कि डेनिम जैकेट होते क्या है। तो गाइस डेनिम जैकेट मोस्टली हमारा एक अपर वियर है और एक काफ़ी रग्ड टाइप का लुक देने के लिए बने हैं एक जैकेट, ठीक है। अगर बात करें तो ये थोड़े से थिकर मटेरियल से बने होते हैं और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर बात करें ना पे एक ऐसे आउटफिट की जो अगर आप पार्टी में पहनना चाहते हो, शादी में पहनना चाहते हो, थोड़ा सा सेमी कैजुअल, थोड़ा सा स्ट्रीट, थोड़ा सा रिवेल टाइप का लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन होते हैं डेनिम जैकेट्स। अगर इनके मटेरियल की बात करें कि कौन कौन से मटेरियल मिलके बने होते, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ना कॉटन से जितने डेनिम जैकेट बने होते हैं मिलके वो काफ़ी बेहतर होते हैं और इनकी जो वीव होती है वो ट्विल वीव होती है, तो थोड़ा सा अपने को टेक्स्चर टाइप का फील देखने को मिलता है ऊपर से नीचे और जो हमें काफ़ी पसंद आता है और थोड़ा सा हमें एक रफ लुक भी देता है। तो अगर आप कोई भी डेनिम जैकेट प्रीफर करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें कंसीडर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन मटेरियल हो। अगर मिक्स मटेरियल होगा तो वो थोड़ा आपको अनकम्फर्ट दे सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर जितने ब्रांड सजेस्ट करूँगा सब कॉटन से मिल के ही बनाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तीसरा नंबर पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पैरामीटर्स होता है वो फिटिंग। तो गाइस काफ़ी सारे लोग डेनिम जैकेट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं और फिटिंग में काफ़ी गलती करते हैं, क्योंकि अभी ओवर साइज टी शर्ट एंड ऑल का ज़माना है, चाहे ट्रेंड है, तो मैंने देखा है एक दो अपने आसपास के फंक्शंस और बच्चे को कि वो लोग डेनिम जैकेट भी काफ़ी लूज यहाँ तक ड्रॉलर वाली डिजाइन जैकेट पहनने में, जो देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तो डेनिम जैकेट की अगर फिट की बात करें तो डेनिम जैकेट आपके आर्म पिट पे काफ़ी ज़बरदस्त फिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जब डेनिम जैकेट आप जब भी कोई डेनिम जैकेट पहनो तो यहाँ पे उसकी फिट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बाइसेप्स पे फिट काफ़ी सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके शोल्डर एंड ऑल पे बढ़िया फिट होना चाहिए, यही तीन चार मेजर पॉइंट है। उसके बाद अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, डेनिम जैकेट तो यूजुअली छोटे ही पहने जाते हैं, लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे हम लोग उतना अनकंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, क्योंकि खासकर लड़कियाँ डेनिम जैकेट छोटी पहनती हैं, तो आप अपने जो बेल्ट का लाइन है उससे एक इंच नीचे या उसके बराबर तक भी डेनिम जैकेट प्रीफर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि डेनिम जैकेट आपके जो आर्म पिट है वहाँ पर अच्छा फिट आए। तो गाइस अब बात करेंगे ना इसके बाइंग गाइड के बारे में। तो गाइस सबसे पहले आपको डेनिम जैकेट में क्या देखना है, तो मैं प्रीफर करूँगा सबसे पहले आप बाइंग गाइड में चेकआउट करिए उसके स्टाइल को। ऐसा स्टाइल आप प्रीफर करिए जो वर्सेटाइल हो, आप काफ़ी लंबा यूज करें, अगर आप किसी दूसरे इवेंट और पार्टीज में यूज करना चाहते हैं वहाँ भी उसको यूज कर पाए, ठीक है। कलर्स काफ़ी अच्छे प्रीफर करें, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स को ना चूज करें। डेनिम जैकेट के मामले में हमेशा कलर थोड़ा सा सोबर होने चाहिए, जैसे अगर बात करें ओलिव आप प्रीफर कर सकते हैं, मैरून काफ़ी सारे लोगों को पसंद है, ग्रे पसंद है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू और इस टाइप के कलर्स जो थोड़ा सा पेस्टल टाइप के होते हैं वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप फैब्रिक को देखें कि फैब्रिक उसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ऐसे डेनिम जैकेट होते हैं जिस पर काफ़ी अफटेक टाइप के प्रिंट बने होते हैं, लेकिन जैसे हम उनको वॉश करते हैं तो वो आराम वहाँ से प्रिंट वो सब निकल जाता है या थोड़ा सा डल दिखने लगता है। तो आप केयर को भी ध्यान रखें कि अगर आप डेनिम जैकेट उस टाइप का कुछ लेते हैं तो उसका केयर आपको कैसे करना है। तो गाइस अब बात करेंगे ना बजट ब्रांड्स जो ऑनलाइन है। तो गाइस अगर आप अमेजन से शॉपिंग करते हैं तो ब्रांड्स तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन बजट में हम लोग बात करेंगे जो 1500 और 1000 बिलो में 700 से शुरू होकर भी आपको अच्छे डेनिम जैकेट्स दे रहे हैं। अगर समर की बात करें ना तो कलर थोड़ा सा बेस टाइप का होना चाहिए जो हमें देखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा अनकम्फर्ट ना दे, मटेरियल थोड़ा सा लाइट वेट हो, तो आप जेनरिक ब्रांड को प्रीफर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप हाई स्टार के जैकेट्स को चेकआउट कर सकते हैं अमेजन पे, थोड़ा सा रफ टाइप का रगेड और थोड़ा सा विंटेज टाइप का लुक देने के लिए जैकेट काफ़ी परफेक्ट होते हैं। उसके बाद आप इंडियन गैरेज कॉरपोरेशन के डेनिम जैकेट को चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे कम मिलेंगे, लेकिन इनके डेनिम जैकेट अभी काफ़ी लो प्राइसेस में मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पहला
जो जेनेरिक ब्रांड का है और इंडियन गैरेज कॉरपोरेशन के डेनिम जैकेट मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। काफ़ी जल्दी आपको अनबॉक्सिंग मिलने वाला है, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया, नहीं किया तो अभी कर लीजिए, वो वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी सारे लोग अमेजन से शॉपिंग नहीं करते हैं, तो आप अगर मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर भी भतेरे ब्रांड है, तो आपको ज़्यादा माथापेची नहीं करना है। आप सबसे पहले लोकोमोटिव ब्रांड के डेनिम जैकेट को प्रीफर कर सकते हैं, वेरियस कलर्स ऑप्शन अपने को मिल जाएगा, मटेरियल काफ़ी अच्छी होती है, प्राइसेस आपको 1000 बिलो और 1000 प्लस में भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप हाईलैंडर के जैकेट्स को चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सुपर मटेरियल होता है, काफ़ी बेहतर और अच्छे डेनिम जैकेट्स यहाँ भी इसके मिल जाएंगे। देन अगर थोड़ा सा आपको विंटेज और रफ, थोड़ा सा रगड और रिवेल टाइप का लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो रोडेस्टर को चेकआउट करिए, इसके भी डेनिम जैकेट आपके बजट में और काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो गाइस ये थे टोटल ब्रांड्स, चेकआउट करना मत भूलिएगा, सबका प्रेफरेंसेस लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आएंगे स्टाइलिंग ऑप्शंस के बारे में, तो गाइस स्टाइलिंग ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज में थोड़ा भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डेनिम जैकेट अगर खासकर बात करें ना तो लेयरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको स्टाइल करते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आपके पास बेसिक जो टी शर्ट है वो हो, लाइक ब्लैक हो, वाइट हो या किसी पेस्टल कलर में हो, बेसिक हो तो काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। आप इसको विंटर में तो काफ़ी तरीके से कर सकते हैं लेयर, लाइक हुडी के साथ, बॉम्बर जैकेट के साथ, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे ना बॉटम वियर पे, तो बॉटम वियर में अगर आपके पास डेनिम जैकेट थोड़ा सा अगर लाइट ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर का है, तो जीन्स भी आप उस शेड में ले, लेकिन थोड़ा सा शेड अप या डाउन होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मोनोक्रोम लुक क्रिएट करने के लिए सेमी सेमी ले लेते हैं और ठीक लगता है, पिछले ज़माने में एक ट्रेंड था, फैशन था, अच्छा लगता था, बट थोड़ा सा अभी ना चेंज हो रहा है सब कुछ। तो अगर आप डेनिम जैकेट का शेड ऊपर वाले या नीचे वाले में बॉटम वियर में अगर सेम कर रहे हैं तो थोड़ा उससे डिफरेंट कर लीजिए, थोड़ा सा उसको लाइट या थोड़ा सा डीप कर लीजिए तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर बात करेंगे स्नीकर्स यानी नीचे, तो आप स्नीकर्स में काफ़ी सारे वैरायटी के साथ खेल सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक स्नीकर्स है उसके साथ जा सकते, थोड़ा सा रफ और रग टाइप का लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बूट के साथ जा सकते हैं, आप बूट पहन सकते हैं। अगर आप बूट के साथ डेनिम जैकेट पहनेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट आएंगे बोनस पॉइंट पे, तो गाइस डेनिम जैकेट का एक काफ़ी सारा बेनिफिट है क्या कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल और सिंपल भी डेनिम जैकेट है तो आप उसको कस्टमाइज करा सकते हैं। आप अपने हिसाब से, मान लीजिए आपकी कोई बाइक है, फेवरेट बाइक है, तो आप उसका एक वेक्टर का प्रिंट करा के कपड़े के ऊपर आप उसको एज ए पैच लगा सकते हैं, या दूसरे या कुछ आपका मोटो है लाइफ में उसका भी पैच आप पीछे प्रिंट करवा सकते हैं, या सीने पे लगवा सकते हैं, शोल्डर पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेनिम जैकेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप पुराने डेनिम जैकेट से बोर हो चुके हैं तो आप अपने डेनिम जैकेट को जाके किसी लोकल टेलर के पास भी, उनके पास अगर पैच होगा कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर कुछ आर्ट्स हैं तो वहाँ से आप उसको कस्टमाइज करा सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आएंगे हम लोग अपने अंतिम पॉइंट पे जो है कंक्लूजन, तो गाइस कंक्लूजन यही है कि एक डेनिम जैकेट आपके वार्डरोब में होना चाहिए, दो तीन होंगे तो और भी अच्छी बात है, फिट उसका काफ़ी परफेक्ट होना चाहिए, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर पाएँ, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर यूज़ कर पाएँ, वर्सिलिटी काफ़ी उसकी अच्छी हो और आपको एक बढ़िया और बेहतर लुक क्रिएट करके हमेशा दे। तो ये रहे अब मेरे कुछ सजेशंस, आप जाकर जरूर चेकआउट करिए, ब्रांड सबका लिंक पड़ गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको डेनिम जैकेट को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन आता है, काफ़ी सारे लड़कों का कन्फ्यूजन है कि मैं स्किनी हूँ तो मुझे किस टाइप का डेनिम जैकेट लेना चाहिए, तो गाइज अगर आप काफ़ी स्किनी हैं तो आप एस साइज के डेनिम जैकेट लें, क्योंकि उससे छोटा नहीं मिलेगा। आई थिंक जेनरिक ब्रांड में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन बचता है तो हमारे बैनर पे जाके, हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम हैंडल पे आइए, मैं आपको एक बेस्ट साइज सजेस्ट कर दूंगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक शुक्रिया अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड टू वॉच योर गुरु एंड माय लवली फ्रेंड्स।